अलग बुंदेलखंड की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर तमाम प्रकार के प्रदर्शन भी झांसी में हो रहे हैं। एक ऐसा ही बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं भानु शाह, वो एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी हाथ में तख्ती लेकर एलाइट चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुँचे हैं और इसमें लिखा है हमें चाहिए बुंदेलखंड राज, सोमश्री विश्वनाथ शर्मा एवं शंकर लाल मल्होत्रा का सपना यह पूरा करेंगे जो उनका सपना अधूरा था। भानु जी, बहुत लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं, कहाँ अड़चन आ रही है इसमें? अड़चन सिर्फ ये आ रही है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो जैसे ही जीतते हैं चुनाव भर तो वो बुंदेली रहते हैं और चुनाव के बाद उनका बुंदेलखंड बन जाता है जैसे ही वो जीत जाते हैं। तो हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं वो जनता के साथ कर रहे हैं। ये जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं जिन्होंने 8 बार लोकसभा में बात उठाई, बाकी जितने भी 8 सांसद आते हैं हमारे बुंदेलखंड से ये 8ों के 8 चुप रहे। अभी विधायक भी सिर्फ एक रवि शर्मा है जिन्होंने लिख के दिया है, बाकी विधायक भी कोई बहुत तेज़ी से आगे नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी बहन जी गुरसराय आई, उन्होंने कह दिया कि नहीं बुंदेल अगर हम सरकार में आते हैं तो हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे। राहुल गांधी जी आए, वो भी बोल गए जय हिंद और जय बुंदेलखंड। अभी योगी जी का भी वो हुआ था रोड शो, योगी जी उस तरफ नहीं गए जिस तरफ हम लोग रहते हैं। अगर उस तरफ जाते तो योगी जी को विरोध का सामना करना पड़ता, इसलिए योगी जी यहाँ से कोतवाली से सीधे निकल गए गंदी टपरा कर गए, टपरा होके आगे नहीं गए क्योंकि वहाँ हम लोग सब निवास रहे हम लोगों का। कुल मिला के हम आपको बता दें फिर भी योगी जी को बुंदेलखंड बोलना पड़ा। अब इन सारे लोगों की वादता होती जा रही है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों से कहा था जिस दिन आप हराना सीख जाओगे उस दिन ये बुंदेलखंड चिल्लाने लगेंगे। तो ये जो हमारे झांसी के सांसद हैं विश्वनाथ शर्मा जी के सुपुत्र हैं, उनका सपना था कि बुंदेलखंड राज बने, ये बिल्कुल मौन हैं। कई ने इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने बुंदेलखंड का समर्थन नहीं किया, तो हमें ये लगता है ये बुंदेलखंड के विरोधी हैं। हम राम को कॉल चढ़ा रहे हैं लोगों को और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे बुंदेलखंड के विरोधी लोगों को ई बार हरा के सबक सिखा दो। और जो वर्तमान सांसद हैं अब उनके लिए हम कहें क्या, कौन से शब्दों का प्रयोग करें, वो पूत क्या जो अपने पिता के सपनों को पूरा करना कर पाए, वो पूत क्या जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे ना चल पाए, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। देखिए पैसा हर आदमी कमाता है, स्टेटस हर आदमी बनाता है, लेकिन हम लोगों ने भी 8-8 सांसदों के अगर पुतले फूके हैं, इनका पिंडदान किया है तो खोपड़ी पर हम लोगों ने भी कफन बांध लिया है। एक बात और समझना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, आप लोग अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं, इससे क्या लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कितना विकास होगा इससे? देखिए एक 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 कहावत है हमारी नहीं है, ये बहुत समय पहले से चली आ रही सरकारों की कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जब परिवार छोटा होगा तो अपने आप सुखी हो जाएगा। अभी हाल ही में राज्य बने हैं, उन राज्यों का आप ऊपर से ले गए नीचे तक जो भारत सरकार ही जारी करती है आंकड़े, तो 3रे 4थे 5वें 6ठे नंबरों पे वो ऊपर विराजे हुए हैं। हमारे बुंदेलखंड में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खनिज है, ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटन स्थल है, ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास पानी है। 64 बांध बने हैं, 11 बांध बन रहे हैं, हम तो कंठ तक पानी में डूबे हुए हैं फिर भी हम प्यासे हैं क्योंकि उचित प्रबंधन नहीं है। जो हमारे यहाँ खनिज है और उस पर आधारित उद्योग यहाँ लग जाए तो कोई हाथ खाली ना रहे, हर हाथ को रोजगार मिल जाए। इतने पर्यटन क्षेत्र हैं कि अगर आप पर्यटन उद्योग घोषित कर दो तो आप देख लो पर्यटन ही पर्यटन से हमारा राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ हीरा होता है, हीरा खोदने वाले कौन होते हैं? गुजरात के लोग। हीरा तराशने वाले कौन होते हैं? गुजरात के। हीरा बेचने वाले कौन होते हैं? गुजरात के। हम बुंदेलियों को मिलता क्या है? हम 67% उत्तर प्रदेश के राजस्व में राजस्व देते हैं बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश के पूरे आंकड़े नहीं है, हमें मिलता है 4.5%। ये अगर हमको अपना मिलने लगे तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा संतरी होगा, हमारा ADM होगा, हमारा चपरासी होगा, हम अपना विकास खुद कर लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, विकास के पर्याप्त तो साधन है हमारे पास। आप सांसद का विरोध क्यों कर रहे हैं? सांसद चाहते तो क्या बन जाता है? नहीं, सांसद चाहते तो बन जाता नहीं हो रहा है। बात तो सिर्फ इतनी है कि अगर एक BJP का सांसद, क्या उसको BJP ने निकाल दिया? क्या उसको BJP ने टिकट नहीं दिया? वो अभी भी BJP से चुनाव लड़ रहा है और हम लोग गए उनको जिताने के लिए कि एक मर्द सांसद है जो बुंदेलखंड की बात कर रहा है, इसको जिताओ। आप तो साधन संपन्न हो, आप क्यों चुप रहे? आप क्यों डरते रहे? ऐसी क्या इच्छा पूर्ति हो गई आपकी
कि आप हाउस में मोदी जी के सामने अपनी बात रखने में डरने लगे हो? जबकि उनके पिताजी का भी सपना था ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, 1970 में लाखों लोगों को जोड़ के उन्होंने बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाई थी और पूरे बुंदेलखंड में जन जागरण का कार्य किया था, बड़े मात्रा में किया था। आज उनका सपना पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? चुनाव के पहले तो आपने भी बाइट दी थी, जब वो बाइटें हैं हमारे पास कि नहीं बुंदेलखंड राज्य निर्माण होना चाहिए, इसका हम प्रयास करेंगे। तो अब ये माना जाए कि उनका बेटा जो सपना पूरा नहीं कर पाया, बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा पूरा करेगा 100% जो वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे आदरणीय थे, हमारे पिताजी के बहुत अभिन्न मित्रों में रहे हैं, ये भी जिला परिषद में चेयरमैन रहे थे जब हमारे पिताजी वहाँ सचिव हुआ करते थे, इस परिवार से संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे, बाबूजी से संबंध तो मेरे व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अंत तक वो हमसे कहते रहे गाड़ी ले जाओ, हम गाड़ी बनवाए दे रहे तुम्हारे लिए, सजवाए दे रहे रथ। आप सोचो ना, एक वो मरते मरते बुंदेलखंड के लिए सोचते रहे और एक ये जीते जीते बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहे। तो क्या इनसे आपकी वन टू वन व्यक्तिगत तौर से बात हुई कि आप क्यों? हमने इनको 8 बार रजिस्टर्ड डाकों से लेटर भेजा, 8 बार हमने इनको मेल किया, अनेकों बार हमने इनके व्हाट्सएप पे डाला, ना कभी इन्होंने बुलाया, ना हम लोगों ने कभी सोचा कि ऐसे व्यक्ति के पास हम जाएं मिलने। अब क्या आप स्टेप है, आपका चुनाव है, चुनाव चल रहा, दो दिन बाद वोट? चुनाव तक तो हम लोग राम को कॉल धराए घूम रहे कि पुष्पेन चंदेल को छोड़ बाकी सबको हरा दो, तुम्हें राम को कॉल, जे जे राम बंधन है जो हम लोगों ने भगवान राम राजा के चरणों में पुजवाए हैं, और एक अनेक ऐसे पर्चे हैं जिसमें हम लोगों ने विस्तृत रेखा है सब कुछ, ये हम लोग बांट रहे हैं लोगों के हाथ में, रामबंधन बांध रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई बुंदेलखंड राज अगर तुम चाहते हो तो इस बार इन सांसदों को हरा दो। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड राज निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय, जो काफ़ी लंबे समय से, कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और इनके संघर्ष को अब पंख कब लगेंगे ये तो समय ही बताएगा। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, 86।